2019 के इलेक्शन भी नज़दीक हैं और जो बहुजन समाज की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है बीएसपी, और अगर कहीं ना कहीं आपको बीएसपी से कोई ऑफर आता है तो क्या आप बीएसपी ज्वाइन करेंगी, बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनने के लिए समर्थन करेंगी या नहीं करेंगी, वो भी बताएं। देखिए, मैं तो कहना चाहती हूँ कि देश में बहुजन समाज के लोग जितने संगठन चला रहे हैं, जितनी पार्टी चला रहे हैं, इन सामंतशाही विचारधारा को समाप्त करने के लिए सारे बहुजन समाज के संगठनों को एकजुट होकर के और इन 2019 में इन दुश्मनों को समाप्त करना होगा। और भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा की दिल्ली में प्रधानमंत्री पद के लिए बहुजन समाज के लोगों को कब्जा करना होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक हाथ भारत के संविधान को लिए हुए हैं और दूसरे हाथ से अंगुली उठा करके लोकसभा की तरफ बहुजन समाज के लोगों को इशारा कर रहे हैं कि आए बहुजन समाज के दलित पिछड़ा आदिवासी अल्पसंख्यक समाज के लोग, आप सभी लोग इकट्ठा होकर के दिल्ली के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर पहुंच करके भारत के संविधान को लागू करा दो। जिस दिन भारत का संविधान लागू हो जाएगा उस दिन भारत का बहुजन बराबरी पर आ जाएगा और भारत विश्वगुरु पर हो जाएगा। तो वो बाबा साहब का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा हम उसके लिए तैयार हैं, हमें चाहे जो भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा हम उसके लिए तैयार हैं। हमारे लिए सांसद विधायक, हमारे लिए पार्टी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण भारत के संविधान और आरक्षण है।